भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्लान। पीएफआई से जुड़ा आरोपी मुंबई से अरेस्ट हुआ है। जी हां, 365 डेज थ्रू 1000 कट्स, ये खतरनाक दस्तावेज। 365 डेज थ्रू 1000 कट्स, ये खतरनाक दस्तावेज। मुंबई में गिरफ्तार किए गए पीएफआई से जुड़े शख्स के पास बरामद हुए हैं। एटीएस की चार्जशीट में इसके विस्तार से जिक्र किया गया है। इस बुकलेट में जो खतरनाक साजिश को अंजाम दिया जाना है उसे नाम दिया गया है 365 डेज थ्रू 1000 कट्स। ये खतरनाक दस्तावेज मुंबई में गिरफ्तार किए गए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई से जुड़े शख्स के पास से बरामद हुआ है। महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड एटीएस की चार्जशीट में इसका विस्तार से जिसे विवरण किया गया है। ये दस्तावेज गुप्त रूप से डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे थे। इसका खुलासा अरेस्ट किए गए आरोपी मजहर के मोबाइल फोन की पड़ताल के बाद हुआ। इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि साल 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, यानी जब भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तब भारत इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। इसके लिए इस दस्तावेज में पूरी प्लानिंग की गई है। और क्या है भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के प्लान से जुड़े दस्तावेज में, ये भी इसमें बताया गया है। इस दस्तावेज में भारतीय मुसलमानों का इतिहास, उसकी दयनीय स्थिति, अल्पसंख्यक होने की वजह से भेदभाव होने पर जवाबी तैयारी, अलग अलग तरीके की चीज़ें दी गई है।